कप्तान, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं। तो फिर तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे? मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्लीज, अब तुम मुझसे मजीद नाराज तो नहीं हो? खामोश क्यों हो, कुछ तो बोलो। जब तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं है, एतबार ही नहीं है, तो तुमसे बात करने का क्या फायदा? इससे बहुत बेहतर है कि मैं चुप ही रहूं। अफनान, ऐसे तो मत कहो। जब तुम खामोश होते हो ना, मैं उदास हो जाती हूँ। कोई जोक तो नहीं सुनाया? तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ, लेकिन मेरे लिए ये किसी जोक से कम नहीं। तुम्हें याद भी आखिरी दफा हमने बात कब की थी? ऐसी बात नहीं है अफनान, हमारी तकरीबन रोज ही बात होती है। नहीं अलीसा, उसे बात करना नहीं कहते, हम सिर्फ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अगर एक दूसरे के साथ वक्त भी गुजार रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर शक करके और एक दूसरे के किरदार कशी करके गुजार रहे हैं। मुझे लगता है उससे बेहतर है कि मैं ऐसा वक्त एक साथ ना ही गुजारूं। खैर, मैं अब भी तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। हेलो जमशेद भाई, आप कहाँ हैं? मेरी छुट्टी हो चुकी है, आपको पता तो है फ्राइडे सैटरडे क्लास जल्दी ऑफ होती है। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही आ जाती हूँ। रिक्शा असलामुअलैकुम बाजी, आप इसी अकेडमी में पढ़ती हैं जी? बाजी, मुझे अपनी छोटी सिस्टर का एडमिशन करवाना है, क्या आप मुझे गाइड कर सकती हैं? हाँ जरूर, लेकिन अभी इस टाइम पे ना एडमिशन ऑफिस बंद हो गया होगा। आप एक काम करें कि आप सुबह 8 से 10 के बीच में आके एडमिशन करवा लें। और प्रोसेस क्या होगा यहाँ एडमिशन का? अलीजे, भूख लगी है तो किसी रेस्टोरेंट चल के कुछ खा ले। खा सकता। आज मीटिंग इतनी लंबी हो गई कि लंच करने का टाइम ही नहीं मिला। क्या हुआ?
ये रमशा, रमशा किससे बातें कर रही है? पता नहीं कौन है ये। हाँ लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि अजनबी से बात कर रही है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वो जाकर देखूं सही किस अजनबी से बात कर रही है। वो जिस तरह बात कर रही है उससे लग नहीं रहा कि कोई अजनबी है। मेरे ख्याल में तुम्हें जाकर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। देखो जो भी है, रमशा मेरी जिम्मेदारी है। मुझे मालूम तो होना चाहिए वो किससे बात कर रही है। स्थान हमें क्या पता कौन लड़का है, वो क्या करता है। क्या पता रमशा हमें नहीं बताना चाहती है उसके बारे में। अभी तुम क्यों फजूल में जाकर पूछना चाहते हो? हाँ लेकिन पता तो होना चाहिए ना कौन है वो। रुक जाओ अफनान, वो अभी घर आ जाए तब पूछ लेना। जरूरी तो नहीं है ना कि यही सड़क पे जाके पूछो, अजीब लगेगा। देखो तुम इस तरह जाओगे ना तो पता नहीं वो क्या समझेगी, जैसे तुम कोई इन्वेस्टिगेशन करने आए हो। फिजूल में बाहर तमाशा होगा, लोग भी देखेंगे। जाने दो, चलो अभी घर चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से आ रही हो इस एकेडमी से? और कहाँ से? क्यों ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आज तुम्हें वापस आने में देर हो गई ना। तो मैंने सोचा पूछ लूँ, परेशान हो गया था मैं। नहीं मैं देर से तो नहीं आई। बल्कि आज जल्दी आ गई हूँ, रोजाना देर से आती हूँ। खैर अफ़तान मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करूँ। ओ थक गई होगी, जाओ रेस्ट करो। जाकर देखूं सही किस अजनबी से बात कर रही है। वो जिस तरह बात कर रही है उससे लग नहीं रहा कि कोई अजनबी है। मेरे ख्याल में तुम्हें जाकर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। देखो जो भी है, रमशा मेरी जिम्मेदारी है। मुझे मालूम तो होना चाहिए वो किससे बात कर रही है। स्थान हमें क्या पता कौन लड़का है, वो क्या करता है। क्या पता रमशा हमें नहीं बताना चाहती है उसके बारे में। अभी तुम क्यों फजूल में जाकर पूछना चाहते हो? हाँ लेकिन पता तो होना चाहिए ना कौन है वो। देखो तुम इस तरह जाओगे ना तो पता नहीं वो क्या समझेगी, जैसे तुम कोई इन्वेस्टिगेशन करने आए हो। फजूल में बाहर तमाशा होगा, लोग भी देखेंगे। जाने दो, चलो अभी घर चलते हैं। Thank you.
दोस्तान। क्या हुआ, तुमने अभी तक चेंज भी नहीं किया, यहीं खड़े हो? उषा किस लड़के के साथ खड़ी बात कर रही थी, मैं उस बारे में सोच रहा हूँ। तुम इतना क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? क्योंकि आमतौर पे वो अपनी हर बात मुझसे शेयर करती है, लेकिन इस लड़के का जिक्र उसने नहीं किया। अफ़तान इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि तुम उसके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो। जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें हर बात बताए। वैसे भी रमशा एक सिंगल लड़की है, हो सकता है उसे कोई लड़का पसंद आ गया हो। और वो अभी नहीं बताना चाहती हो हम में से किसी को भी? इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल? रमशा पहले भी तो लड़कों से बातें करती रही है। तुमसे भी उसने बातें की थी ना? तुम भी तो उसके लिए अनजान ही लड़के थे। जमशेद, जमशेद, जमशेद। जी अफ़नान सर। मैंने तुम्हें सख्ती से कहा हुआ है ना कि तुम रमशा को पिक करने के लिए जाया करो, आज क्यों नहीं गए थे? सर मैं जा रहा था लेकिन रमशा बीवी ने फोन करके मना कर दिया कि तुम मत आना, मैं खुद आ जाऊंगी। मैं जाऊं सर? जा। हो गया अभी यकीन? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो रमशा? आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। अरे जान पहचान में क्या रखा है, वो तो बात करेंगे उसके साथ साथ जान पहचान हो ही जाएगी। ये बताओ कैसी हो तुम? लगता है काफी फारिग इंसान है आप, आज के बाद यहाँ कॉल मत कीजिएगा। बिजी हो गया? नहीं नहीं नहीं, वो फोन पे बात कर रही थी ना किसी से। नहीं नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, कोई काम था क्या आपको? हाँ वो बहुत दिनों से तुमसे तुम्हारा हालचाल नहीं पूछा था तो मैंने सोचा कि आज पूछ लूँ। कैसी हो तुम और एकेडमी की क्लासेस कैसी चल रही हैं? अल्लाह का शुक्र है सब ठीक चल रहा है। आज एकेडमी में तुमसे कोई मिलने आया था क्या? नहीं तो क्यों? हाँ वो क्योंकि मैं सोच रहा था कि तुम्हारे रिश्तेदार तो घर मिलने के लिए आते हैं। तो हो सकता है तुम्हारी एकेडमी मिलने के लिए कोई ना कोई रिश्तेदार आया हो। से कोई भी मिलने नहीं आया था अफ़नान। वैसे भी अब
अब इस दुनिया में मेरा कोई भी अपना नहीं है। इसलिए किसी के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मामूजान से मिलकर आती हूँ। साया वे क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे करना क्या औरों से गिला धोखा मुझे यार से मिला है धोखा मुझे यार से मिला हेलो कैसी हो रमशा? तुम्हें उस दिन भी मना किया था कि इसके बाद मेरे नंबर पे कॉल नहीं करना, तो फिर क्यों मुझे तंग कर रहे हो? रमशा तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है, दिल करता है बस सुनता ही जाऊं। क्या हुआ, किसकी कॉल थी? किसी की भी नहीं। चाय बनाने जा रही हूँ, आप चाय पियेंगे? नहीं। फिर मुझे लगता है बहुत जरूरी कॉल है, सुन। नहीं जरूरी नहीं है। हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। वो रमशा नहीं आई? आती होगी भाई है। बताया नहीं था तुमने उसे? मैंने कहा तो था उससे, लेकिन फोन पे उसकी लंबी लंबी बातें खत्म ही नहीं हो रही हैं। मैं नोटिस कर रही हूँ भाईजान, आजकल वो पता नहीं फोन पे किससे लगी होती है। जी मामूजान, आप मिला? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. अब बेटा वो जो किताबें तुमने मंगाई थी ना, वो मैं ले आऊं, कमरे में रखी हुई। शुक्रिया मामूजान, बहुत शुक्रिया। जीती रहो। वैसे भाईजान ये कोई अच्छी बात तो नहीं है फोन पे इतनी लंबी लंबी बातें करना, और वो भी हर वक्त। शक्कर कम है क्या चाय में? लेकर आऊं भाईजान? नहीं। यानी दे भी दो चाय, कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। पाए पका रही शानी? शानी? अरे रमशा क्या हुआ बेटा, बैठो बैठो। यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपका बेटा कहाँ है, बुलाए उसे। जाओ इन्हीं बुलाकर लाओ शानी को। पर इतने गुस्से में क्यों? शानी रमशा बेटा
हुआ क्या है, क्या बात है? मैंने कहा है ना, आपका बेटा कहाँ है उसे बुलाएं, मुझे बात करनी है उससे। आहिस्ता बात करो, चिल्लाने की जरूरत नहीं। तुम चाहते क्या हो? हाँ, आप क्यों हरकतें कर रहे हो इस तरह की? तो क्या हरकत की है मैंने? किसको नंबर दिया तुमने मेरा? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने मेरा नंबर किसको दिया है? तुम्हारा नंबर किसको दिया है मैं कुछ समझा नहीं। ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो शानी, तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इन घटिया हरकतों पर उतरने वाली तुम्हारी आदत है और तुम ही ये हरकत कर सकते। मैं तुम्हारी इस चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। शानी, ये रमशा क्या कह रही है? मैं बताती हूँ आपको, इसने अपने किसी दोस्त को मेरा नंबर दिया और अब इसका दोस्त कॉल्स करके मुझे परेशान कर रहा है। मुझे सुकून से नहीं रहने दोगे ना तुम? खुश देख के तुमसे नहीं रहा जाना ना? अब ये इन घटिया हरकतों पर भी उतर आए। मुझे क्या जरूरत है ऐसी हरकत करने की? मैं क्यों ऐसा करूंगा? कि तुम नहीं चाहते कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूं। तुमसे नहीं देखा जा रहा ना ये सब कुछ? देखो शानी, मैं आखिरी दफा कह रही हूँ, जब तक तुम मेरे शौहर थे ना, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, तुम्हारा लिहाज कर रही थी, लेकिन अब नहीं करूंगी। इसलिए बेहतर होगा कि मुझे परेशान करना बंद करो। बड़ा पुलिस में कंप्लेन करने में देर नहीं लगाऊ। रमशा बेटा, मेरी बात सुनो। रमशा बातें कर रही है, मैंने कुछ नहीं ऐसा किया। मुझे जॉब की जरूरत है, लेकिन ये बात सच है कि इस वक्त आपकी कंपनी को मेरी जरूरत है। वक्त के साथ साथ आपको ये बात साबित हो जाएगी। 5 लाख का चेक तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। आई एम सो सॉरी, मैं ये नहीं ले सकता। मुझे लगता है हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो लड़का अच्छा था। आरुच, अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वरकातु। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे यार, वो ब्लड प्रेशर की दवा रमशा ने कहीं रख दी, यहाँ तो नहीं मुझे मिल रही है। अनिका चली गई। अच्छा, आप बेफिक्र हैं, मैं उसे कॉल करके पूछ लेता हूँ। उन्हें फोन तो किया मैंने, वो तो फोन नहीं उठा रही। तो एक काम क्यों नहीं करते, वो अकेडमी के नंबर पे करो ना कॉल, इसमें इसमें है नंबर। शुक्रिया। डैड वहां से तो कोई नहीं उठा रहा, लेकिन आप परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। हाँ, वो कर लेना और पूछ लेना उससे कहाँ दवा रखी है, वो प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं मेरे पास। तो आपकी तबीयत ठीक है ना? ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, बस पूछ लेना उससे। अस्सलाम वालेकुम, इस्लामिक एकेडमी। वालेकुम सलाम, मैं अफनान कासिम बात कर रहा हूँ, प्लीज मेरी रमशा से बात कराइएगा। रमशा, आप उनका पूरा नाम बताएंगे? रमशा साजिद, जो आपकी एकेडमी के दर्जा दो में पढ़ती है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी जी, आज वो नहीं आई, आज उनकी ऑफ है। अच्छा, ओके, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मुझे लगा शायद वो एकेडमी आई है, मैं घर कॉल करके पता कर लूंगा।
अस्सलाम वालेकुम अख्तार। वालेकुम सलाम। कहाँ हो रमशा? मैं अकेडमी में हूँ अख्तार। हेलो हेलो। अच्छा अकेडमी में हो तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, डैड भी कॉल कर रहे थे, कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? वो मैं असल में क्लास में थी ना अफसान, क्लास में आपको पता तो है कॉल नहीं पिक कर सकती। क्यों, क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ खैरियत है। डैड की मेडिसिन के बारे में पूछना था, काफी देर से ढूंढ रहे थे, तुम बता दो कहाँ रखी? हाँ मामू जान की मेडिसिन मैंने उनकी साइड टेबल की सेकंड वाले ड्रॉअर में रखी हुई है, वहाँ देख लीजिएगा। ठीक, थैंक यू। वजह मुझे इस रानी की वजह से झूठ बोलना पड़ा। अब मामू जान और अफनान को बता भी नहीं सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये लोग परेशान। रानी से तो मैं खुद ही निमट लूंगी। जरा पूछे इससे कि ये सब हरकतें क्यों कर रहे, बची खुची इज्जत का जनाजा निकालने पे तुरा हुआ है। क्या सुन रहा हूं मैं? क्या चक्कर है? क्या कर रहे हो सब, क्या चाहते हो? अब्बा मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो रमजा झूठ बोल रही है? हाँ वो झूठ बोल रही है। वो मुझसे बदला लेना चाहती है, यहाँ के नाटक करके गई है और आप लोग उसकी बातों में आ गए, उल्टा मुझे जलील कर रहे हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम मासूम हो। तुमने कुछ तो किया है, वरना उसे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? सच बताओ शानी, किसको नंबर दिया है तुमने? कौन सा तुम्हारा दोस्त है जो उसको तंग कर रहा है? मैं आपकी कसम खाता हूं, मैं आपकी कसम खाता हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं कि वो मुझे आप लोगों की नजरों में गिराना चाहती है, उसमें ना गुस्सा है और वो मुझ में निकाल रही है, और कुछ नहीं है। बदला लेना चाहती है। तो मैं देखता हूं ना, जरा मैं बताता हूं उससे। क्या हुआ, किसकी कॉल थी? पता नहीं कोई तंग कर रहा, नौ नंबर से बार बार कॉल आ रही। अच्छा
लाओ मुझे दो, मैं बात करता हूँ। नहीं अफ़तान, मैं भी ब्लॉक कर दूंगी, जरूरत नहीं है बात करने की। वो जिस तरह बात कर रही है उससे लग नहीं रहा कि कोई अजनबी है। मेरे ख्याल में तुम्हें जाकर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। देखो जो भी है, रमशा मेरी जिम्मेदारी है, मुझे मालूम तो होना चाहिए वो किससे बात कर रही है। अफ़तान, हमें क्या पता कौन लड़का है, वो क्या करता है, क्या पता रमशा हमें नहीं बताना चाहती उसके बारे में। अभी तुम क्यों फजूल में जाकर पूछना चाहते हो? हाँ लेकिन पता तो होना चाहिए ना कौन है वो। देखो तुम इस तरह जाओगे ना तो पता नहीं वो क्या समझेगी, जैसे तुम कोई इन्वेस्टिगेशन करने आए हो। फजूल में बाहर तमाशा होगा, लोग भी देखेंगे, जाने दो, चलो अभी घर चलते। क्या हुआ, किसकी कॉल थी? किसी की भी नहीं। चाय बनाने जा रही हूँ, आप चाय पियेंगे? नहीं। मुझे लगता है बहुत जरूरी कॉल है, सुनो। नहीं जरूरी नहीं है। रमशा साजिद, जो आपकी एकेडमी के दर्जा दो में पढ़ती है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी जी, आज वो नहीं आई, आज उनकी ऑफ है। अच्छा, ओके, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मुझे लगा शायद वो एकेडमी आई है, मैं घर कॉल करके पता कर लूं। अपने किसी दोस्त को मेरा नंबर दिया और अब इसका दोस्त कॉल्स करके मुझे परेशान कर। मुझे सुकून से नहीं रहने दोगे ना तुम? खुश देख के तुमसे नहीं रहा जा रहा ना? अब ये इन घटिया हरकतों पे भी उतर आए। मुझे क्या जरूरत है ऐसी हरकत करने की? मैं क्यों ऐसा करूंगा? कि तुम नहीं चाहते कि मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। तुमसे नहीं देखा जा रहा ना ये सब कुछ। देखो शानी, मैं आखिरी दफा कह रही हूं, जब तक तुम मेरे शौहर थे ना, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी, तुम्हारा लिहाज करेगी, लेकिन अब नहीं करूं। इसलिए बेहतर होगा कि मुझे परेशान करना बंद करो। बड़ा पुलिस में कंप्लेन करने में देर नहीं लगाऊंगी। शानी, कहां जा रहे हो? शानी, पता नहीं कहां जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम बाजी। बाजी, आपने मुझे पहचाना? दो दिन पहले आपसे मिला था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा गाइड जो किया था। अच्छा, आप एडमिशन हो गया? जी बिल्कुल। चले जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। अल्लाह हाफिज़। कौन हो तुम? कैसे जानते हो इसको? क्या रिश्ता तुम्हारा इससे? तुम रमशा की बात कर रहे हो? हाँ रमशा की बात कर रहा हूँ। क्या बातें कर रहे थे तुम इसके साथ? तुम होते कौन है मुझसे पूछने वाले? दोस्त है वो मेरी, मेरी मर्जी में ऐसा जो कुछ भी कहूं। क्या? दोस्त है वो तुम्हारी? दोस्त है वो? दोस्त से बढ़कर है वो मेरी।
तुम्हें क्यों बताऊं? अपने काम से काम रख, समझा?